अगर हम हर दौर के लिहाज से बात करें तो देखा जाता ये है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो टॉप पे होते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट ने जितना वर्क किया है मेडिकल की फील्ड में, जितना वर्क किया है स्पेस साइंस में, एवरीथिंग, जितना भी इन्होंने साइंस पे वर्क किया वो टॉप पे है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट में जो बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं वो मेनली थ्री, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान, एंड द सेकेंड वन इज़ वाली सीना, एंड द थर्ड वन इज़ अब्दुल मलिक असमाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जाबिर बिन हयान को देखें, जाबिर बिन हयान को, तो जाबिर बिन हयान जो हैं ये ईरान में पैदा हुए थे, ईरान में, और इन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी इराक में। जाबिर बिन हयान, तो जाबिर बिन हयान जो हैं ये कहाँ पैदा हुए थे? ईरान में। और इन्होंने अपनी जो मेडिसिन है उसकी प्रैक्टिस की थी इराक में, यानी ही प्रैक्टाइज्ड इज मेडिसिन इन इराक। इराक में इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। अब इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सा वर्क किया था, केमिस्ट्री के ऊपर। ही इज ऑल्सो केमिस्ट, ये केमिस्ट भी थे। इन्होंने केमिस्ट्री पे बहुत सा वर्क किया, बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की उसमें, और इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। इनकी जो सबसे मशहूर जो फेमस बुक्स हैं उनमें से टू जो हैं वो ये हैं, अल नबातात अल नबातात एंड अल हैवान। अगर हम अल नबातात को देखें, ये भी इनकी एक बुक है, और अल हैवान ये भी इनकी एक बुक है। अल नबातात को अगर देखें तो अल नबातात जो है ये हमें बताती है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ट्रीज इनके बारे में जो स्टडी है वो अल नबातात में आती है। अल हैवान में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी ये हमें बताती है एनिमल्स के बारे में, उनके सारे फीचर्स के बारे में, एनिमल्स। ये तो थे हमारे जाबिर बिन हयान। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे वो हैं अब्दुल मलिक असमाई। अब्दुल मलिक असमाई, अच्छा अब्दुल मलिक असमाई, ये कहा जाता है कि जो अब्दुल मलिक असमाई हैं ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्च की थी बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स के ऊपर। अब्दुल मलिक असमाई जो हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सर्च की थी एनिमल्स के ऊपर, और इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, और डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, यानी कि हॉर्स पे, कैमल पे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी थी। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें अगर हम देखें तो वो चंद एक के नाम और उनकी जो आगे से मीनिंग्स हैं उनको हम देखते हैं, लाइक अल अबिल, अल अबिल, अल खैल, ये इनकी बुक्स हैं, अबिल, अल खैल, अल वहूश, अल वहूश, ओके, कल्क अल अंसान, ये सारी की सारी इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने खुद लिखी। अल अबिल ये स्टडी है कैमल की, इसमें कैमल के बारे में स्टडी किया गया। अल खैल, अल खैल के, अल खैल में हॉर्स के बारे में स्टडी किया गया, हॉर्स घोड़ा। अल वहूश, इसमें एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया गया, एनिमल्स। कल अल इंसान, इसके ऊपर, इसमें
स्टडी किया गया ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स को। ओके, देर आर फोर बुक्स, अल अबिल, अल खैल, अल वहूश, कल अल इंसान। अल अबिल में स्टडी किया गया कैमल को, अल खैल में स्टडी किया गया हॉर्स को, अल वहूश में स्टडी किया गया एनिमल्स को, और कल्क अल इंसान में स्टडी किया गया ह्यूमन बीइंग्स को। ओके, नाउ द सेकंड थर्ड वन इज बू अली सीना। बू अली सीना, बू अली सीना, बू अली सीना जो है ये भी एक मशहूर साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट है। इनको कहा जाता है कि ये फाउंडर हैं मेडिसिन के, ही इज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ये फाउंडर हैं मेडिसिन के, यानी कि इन्होंने मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, मेडिसिन पे बहुत ही ज़्यादा वर्क किया, यानी कि बहुत सी मेडिसिन को डिस्कवर किया, ठीक है, और उनको उनका आगे से उनके ज़रिए ट्रीटमेंट भी किया उन मेडिसिन के ज़रिए, यानी कि ये फाउंडर हैं मेडिसिन के। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सी सर्चेज़ की। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो बू अली सीना है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन तो ये हैं ही, पर इसके साथ साथ ये पोइट भी हैं, पोइट भी हैं, इसके बाद ये एस्ट्रोनॉट भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, इसके साथ साथ ये फिलोसोफर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, और एज वेल एज ये केमिस्ट भी हैं। इन्होंने एक कानून पेश किया था जिसका नाम इन्होंने दिया अल कानून फिल अल तिप, अल कानून फी अल तिप, अल कानून फी अल तिप। ये इन्होंने पेश किया था मेडिसिन के बारे में, इसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये इन्होंने एक कानून पेश किया था मेडिसिन के मुतालिक कि किस तरह से मेडिसिन जो है उसको उसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या क्या उसके मिसयूज़, सारा यानी कि उन्होंने कानून जो है वो पेश किया था इस बुक के ज़रिए, यानी कैनन ऑफ मेडिसिन। इसमें सारी की सारी मेडिसिन के बारे में स्टडी की जाती है। ओके, अब अगर हम तीनों साइंटिस्ट को देखें कि ये किस सन में पैदा हुए और इन्होंने यानी कि कब इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा अगर हम देखें तो उसमें अगर हमें बताया जाता है कि जो जाबिर बिन हयान है वो पैदा हुए थे 721 यानी 721 AD ईस्वी में, और इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 815 में। इसके बाद जो अब्दुल मालिक असमा, आपके पास अब्दुल मालिक असमाई हैं, ये पैदा हुए थे 740 AD यानी ईस्वी में, और इनकी जो डेथ है वो एक्चुअली हुई थी 840 AD यानी ईस्वी में। ओके, उसके बाद थर्ड वन आपके पास हैं बू अली सीना। बू अली सीना जो हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है वो बताई जाती है 980 AD यानी ईस्वी, 980 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, और कब तक इन्होंने वर्क किया था, यानी कि जो इनकी यानी कि जो मर्गी की जो यानी कि इनकी डेट है वो बताई जाती है 1037 ईस्वी AD। ओके, थैंक्स।